हाय गाइस, कैसे हो आप लोग सब? आशा करते हो कि आप लोग हर कोई अच्छे हैं, खुश है, घर पे सही सलामत है। सो आज हम लोग पूरे फैमिली मिलके जा रहे हैं कीर्तन, जो कि कुप्तापाड़ा में आयोजित किया गया है। सो चलिए इस कीर्तन में, ये कीर्तन ठीक वैसे मंगलूटन में जैसा हुआ था ना, हरि कीर्तन मतलब हरि नाम कीर्तन, वैसा ही है। एंड पहली बार जा रही हूँ यहाँ पे, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ऐसा कीर्तन में जाना। एंड आ जा रहे हैं, एंड इस साल का 2024 का ये पहला कीर्तन मैं अटेंड करने वाली हूँ। सो चलो भगवान के नाम लेकर जाते हैं कीर्तन में। सो हम कीर्तन के लोकेशन में पहुँच गए हैं, पार्किंग की अच्छी व्यवस्था की गई है यहाँ पे, वहाँ पे हो रही कीर्तन। यहाँ पे मैं आई थी जिस दिन जन्माष्टमी का कीर्तन हुआ था उस दिन। देखिए कितनी सारी गाड़ियाँ हैं, मतलब अच्छा खासा भीड़ हुआ है। मैंने अब तक मेरे चैनल पे शायद मैंने आपको दो बार कीर्तन दिखाया है, एक बार तो झुलदारी में जो कीर्तन हुआ था वो, और एक बार लास्ट टाइम मंगलूटान 2023 में मैंने मंगलूटान का कीर्तन मैंने दिखाया था। एंड ये वैसा ही कीर्तन है, अष्टप्रहर कीर्तन इसे कहते हैं, मतलब कंटिन्यूस हरि नाम, जस्ट हरे कृष्णा हरे राम, ये मंत्रा ही बस चैंट होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही बस मंत्र को बस बार बार डिफरेंट डिफरेंट टोन में गाया जाता है विद डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फोक म्यूजिक का जैसा, यहाँ पे हारमोनियम और साथ में ढोल एंड एक हाथ में और एक बजाते, मुझे उसका नाम नहीं पता है, और बांसुरी यूज़ किया गया है। और यहाँ पे आगे ना भगवान जी हैं, मतलब श्री कृष्ण जी और राधा जी वहाँ पे हैं। तो चलो मैं अभी आपको थोड़ा बहुत कीर्तन सुनाती हूँ, और उतना अच्छे से मेरे फ़ोन में ना कैप्चर नहीं किया था हरे कृष्ण हरे राम का ये जो मंत्र है, बट जितना हो सके उतना आपको समझ आ जाएगा। एंड नेक्स्ट जो मैं कीर्तन आपके साथ शेयर करूँगी उसमें बहुत अच्छे से ऑडियो कैप्चर हुआ है, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, बट थोड़ा बहुत तो इसमें आपको अच्छा ही लगेगा। एंड सच बोलूँ तो ऐसे सारे कीर्तन में जाने से आपका मन बहुत ज़्यादा शांत होता है एंड यू फील वेरी पॉजिटिव, बिकॉज ये जो एरिया है इस एरिया का पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है। मैंने पहले के वीडियो में भी बोला है, बट इस वीडियो में भी बता देती, बहुत किसी को लग सकता है कि वाई दे आर क्राइंग, ये एक्चुअली भगवान का भाव है। ये वहाँ पे जब बैठे रहते हैं भगवान के बारे में सोचते रहते हैं, भगवान का नाम कीर्तन हम जब करते हैं तब अंदर से आ ही जाता है। एंड ये जो फीलिंग है इसे बयान नहीं कर सकते, इसे लिख नहीं सकते, बट इतना ही बस बोल सकते भगवान का भाव है। एंड भगवान के सामने आके जो होता है वही बस वो फीलिंग है। सो ऐसे सारे कीर्तन में ना डिफरेंट डिफरेंट ट्रूप्स आते हैं डिफरेंट डिफरेंट जगह से, तो मैंने जितना देखा है अंडमान में डिगलीपुर से बहुत सारे ऐसा ट्रूप्स आते हैं, और इस ट्रूप्स को बंगाली में कहते हैं दौल। तो कोई भी दौल अगर कभी परफॉर्म करेंगे तो उनका नाम वहाँ पर लिखा होता है साइट पर। इस वीडियो में शायद आपको नज़र नहीं आ रही, लेकिन बाद में कभी नज़र आ जाएगी तो मैं आपको दिखा दूँगी। तो अंडमान में स्पेशली मिडिल अंडमान एंड नॉर्थ अंडमान, यहाँ से बहुत सारे दौल आते हैं। एंड लिटिल अंडमान में भी है, लेकिन लिटिल अंडमान का दौल मैंने कभी ऐसा देखा नहीं है।
मम्मी कहती है बहुत अच्छा है लिटिल अंडमन का भी डॉल ऐसा। और एक 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 डॉल मतलब एक 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 ट्रुप, एक 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 ग्रुप एक्चुअली कुछ प्रहर, मतलब एग्जैक्ट तो मुझे पता नहीं कि कितना आवर्स, बट कुछ प्रहर तक ही वो ऐसा नाम कीर्तन करते हैं। उसके बाद एक डिफरेंट ग्रुप आते हैं, एंड जब दूसरा ग्रुप आने वाला होता है और एक ग्रुप का कीर्तन ख़त्म होने हुए रहता है, तब बहुत एनर्जेटिक परफॉर्मेंस होता है। मैं नेक्स्ट दिन जिस दिन गई थी उस दिन बहुत बहुत एनर्जेटिक परफॉर्मेंस था। तो ये जो गुप्तापड़ा का पंडाल है ये बहुत बड़ी है, मतलब लास्ट टाइम मैं मंगलूटान में भी गई थी बट ये तो उससे बहुत बढ़िया, और यहाँ पे खाने का भी जो एरिया है बहुत बढ़िया, बाद में मैं दिखाऊंगी आपको। यहाँ पे और एक खासियत है, जब आप कोई भी ऐसे कीर्तन में जाते हैं तो आपको वहाँ पे चंदन लगा कर देते हैं। कृष्णा का नाम है और चंदन ना होगा ये तो कभी हो ही नहीं सकता, तो कभी भी अगर आप जाओ तो चंदन ज़रूर लगाना एंड उसके बाद प्रणामी ज़रूर देना, ठीक है। कीर्तन में जाओ और खाना ना खाओ ये कभी करना नहीं, ठीक है। कीर्तन में जाने से ज़रूर खाना खाना, और हडबे में मम्मी कहती है कि 24 आवर्स खाना होता था बट यहाँ पे डिनर होती है मोस्ट ऑफ द कीर्तन में, मैंने जो देखा है। तो यहाँ कीर्तन हो रही है उसी के ठीक पास ही में एक बड़ी सी एरिया में ऐसा नीचे बिठा कर सबको पहले बिठाया गया एंड देन वहाँ पर खाना सर्व हुआ। और जो भी आप लोग यहाँ पर देख रहे हो जो यहाँ पर खाना बना रहे हैं, बांट रहे हैं, देन पानी दे रहे हैं, बिछा रहे हैं, पत्ती दे रहे हैं, ये सब खुद से कर रहे हैं, मतलब इनको इसमें कोई भी ऐसा लेना देना नहीं है, खुद अपने मन से ही भाव आता है कि मुझे करना है एंड ये बहुत बड़ी सेवा है। मुझे बहुत मन है मैं ऐसा कभी करूं, अगर भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी मैं ऐसा करूँगी। बट यस, बहुत अच्छा लगता भी है यहाँ का खाना। कभी भी अगर आप कभी भी कीर्तन में जाओ वहाँ का सिंपल आप खाना खाओगे आपको इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। और चलो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि खाने में क्या क्या था। पहले तो यहाँ पे देखो पत्ती दिया गया है, ये पत्ती नहीं एक्चुअली पेपर है बट ये शेप पत्ती का दिया गया है, केले का पत्ती का जैसा थोड़ा बहुत शेप है, कलर भी वैसा ही थोड़ा बहुत है। एंड देन उसके बाद दिया गया पहले तो प्रसाद। ये प्रसाद ना सबसे यम्मी होता है, ये मोस्टली आप लोग जिसको पोहा कहते हो, हम लोग उसको चीड़ा कहते हैं, बहुत सारे लोग उसको चूड़ा भी कहते हैं। उसको भिगा के उसके साथ गुड़ मिक्स किया जाता है एंड देन कुछ फल प्रसाद भी कभी कभी होता है। तो पहले सबसे पहले खाना देने का पहले सबको ये प्रसाद दिया जाता है। एंड कभी आप ये मतलब कीर्तन का ये वाला प्रसाद खा के देखना, बहुत बहुत अच्छा है। तो पहले वो ईद दिया गया है, उसके बाद आता है एक 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 करके खाना। सो मोस्टली कीर्तन में जो खाना होता है ये भात मतलब चावल, साथ में दाल और सब्जी होती है, लेकिन कभी कभी ना डिफरेंट डिफरेंट आजकल देना शुरू करे। तो पहला दिन कीर्तन में हम जब गए थे ये पहले दिन ही थी, और उस दिन था पुलाव एंड साथ में सब्जी, आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर में, और कभी कभी खीर भी होती है। और आप ये मत सोचिए कि कीर्तन रुक गया है, कीर्तन कभी रुकेगा नहीं, कीर्तन तो कंटिन्यूस 24 आवर्स चलता है। सो अब आ गया है पहले तो राइस, उसके बाद सब्जी। सो जब चावल होता है ना, वाइट चावल होता है, उसके साथ मूंग की दाल दिया जाता है, और वो जो मूंग की दाल का जो टेस्ट है
वो आपको बड़े बड़े रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलती है। मतलब हम हमेशा कहते हैं कि कीर्तन का डाल का ऐसा क्या होता है कि इतना ज़्यादा यम्मी होता है। सो खाना पीना अब हो गया है। ये देखिए यहाँ पे देखिए खाना पीना बन रहा है, बड़े बड़े डेगची में, बड़े बड़े उसे क्या कहते हैं, उनून कहते हैं, मतलब चूल्हा, हाँ चूल्हे में, मिट्टी के चूल्हे में यहाँ पे बन रहा है। और मिट्टी का चूल्हे में मतलब खाना बनाने से इतना ज़्यादा यम्मी होता है, और साथ में यहाँ पे कीर्तन भी हो रही है, उसका भी पॉजिटिव इफेक्ट खाने में तो ऑब्वियसली गिरता है। तो हमारा खाना हो गया और ये सेकेंड राउंड बैठा है। यहाँ पे अप्रॉक्स एक साथ में 300 लोग बैठ सकते, इतनी बड़ी है यहाँ पे मंगलूटान में, क्योंकि एरिया बहुत बड़ी है तो बड़ी मेला भी लगी थी। मतलब कीर्तन एक जगह पे चल रहा है और उसके चारों तरफ में ना ऐसा छोटे 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 दुकान बैठा है। और यहाँ पे मुझे दिख गया ये वाला मेहंदी, जो कि छप्पा मेहंदी हम बचपन में कहते थे, तो मुझे बहुत दिनों के बाद दिखा एंड मैंने ले लिया ये वाला मेहंदी का एक छाप। पहले क्या करती थी जब मैं बहुत छोटी थी, तब ये बहुत कॉमन होता था दुर्गा पूजा के दौरान, स्पेशली छोलदारी में आके बैठता था, तो हम ना ऐसा छप्पा लगाते थे। मतलब मैं ये करती थी छप्पा लेकर आके, क्योंकि मुझे डिज़ाइन नहीं आता था, तो मैं इसके ऊपर ही मैं डिज़ाइन बनाती थी ताकि मेरा मतलब मेहंदी का अच्छा एक डिज़ाइन बन जाए और बहुत दिन रहे। और ये वाला जो छप्पा मेहंदी, ये ज़्यादा दिन रहता नहीं है। मतलब आप अगर क्या कहते हो सोप से अगर हाथ धो दोगे ना तो चले जाता है बहुत जल्दी, तो इसीलिए बहुत लोग इसे प्रेफर नहीं करते और बहुत सारे लोग इसे एलर्जी भी होती है। बट इस भैया के पास ना इतना अच्छा डिज़ाइन नहीं था, जो था मैंने लगा लिया। और ये एक मतलब चाइल्डहुड मेमोरीज है, और इसका जो स्मेल है एक पेकुलियर एक स्मेल है, जिन्होंने लगाया उस उनको ही पता होगा। यहाँ पे इससे बहुत सारे लोग मतलब बचपन का टैटू भी इसको कहते हैं और ब्लू कलर भी है इसमें, पता है ब्लू कलर। तो ये देखिए मेरा हाथ का मेहंदी हो गया छप्पा मेहंदी। मैं और मिताली हमेशा ढूंढते रहते हैं इस छप्पा मेहंदी का स्टॉल, एंड ये मिल जाने के बाद मैंने मिताली को शेयर किया था कि देखो बहन मुझे छप्पा मेहंदी फाइनली मिल गया है। एंड मैं जब लगा रही थी कितने सारे लोग बैठ के वहाँ पे देख रहे थे। ये देखिए ये है ये मेला, छोटे 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 बहुत सारे दुकान हैं, साथ में फुचका का दुकान है, एंड देन मीठा जैसे मतलब मिठाई, जैसे मैं मीठा कह रही हूँ, जैसे जलेबी माखन प्याड़ा ये सब है, चाय है, आइसक्रीम है, और ऐसे खिलौने का शॉप है, कुछ कुछ कपड़ों का भी शॉप है, और ऐसे जैसे गांव का मेला जैसा लगता है वैसे बहुत सारे शॉप यहाँ पे लगे थे। और हाँ अभी ना अंडमान में एक बहुत बड़ा एक चेंजेस आ गया, वो है गोला। हर जगह में आपको गोला दिख जाएगा, यहाँ पे भी गोला था, और ऐसे सारे बहुत सारे एसेसरीज़ की शॉप, बच्चों के शॉप, जो कि बच्चे यहाँ पे रहते ही है हमेशा। मैं बचपन में हर एक मेले में जाके ऐसा कुछ ना कुछ उठाती थी, तो मम्मी मुझे वही कह रही थी कि देखो तुम्हारा बचपन का शॉप तो गांव में ये सारे मेले में बहुत अच्छा एक्चुअली सेल होता है, क्योंकि गांव के लोग इसी के लिए वेट करते रहते हैं। ऑल्दो मैं गुप्तापाड़ा को गांव ना भी बोलूँ तो चलेगा, बट हाँ इस मेले के लिए गांव है तो अभी हमारा कीर्तन घूमना हो गया है, अभी हम लोग जा रहे हैं अगेन पार्किंग की तरफ। यहाँ पे बहुत अच्छा पार्किंग की सुविधा है, अगर नेक्स्ट ईयर अगर जाते हो ये मेरा वीडियो देख के तो ज़रूर आप मुझे कमेंट करके बताना, कभी भी अगर आप गए तो इस एरिया पे। ये मंगलूटान जाते हुए एक बहुत बड़ी एक ग्राउंड है वहाँ पे होती है, किसी को पूछ भी सकते हो आप। ओके सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मैं बहुत दिनों के बाद एक ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ। थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट जिन्होंने मुझे पूछा कि क्या हुआ था चैनल का, कुछ भी नहीं हुआ था, मेरा चैनल यहीं पे था, जस्ट मैं कुछ दिन के लिए ब्रेक ली थी एंड अगेन आई केम बैक, एंड थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट, होप टू सी यू अगेन, बाय बाय, टेक केयर, बाय लवली लवली फ्रेंड्स। एंड यस बहुत अच्छी और एक कीर्तन का वीडियो लेकर मैं बहुत जल्दी आ रही हूँ, जो कि मंगलू डांस है। बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल।